गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली पीआईबी की न्यूज़ और साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हो। तो चलिए देखें, आज की पहली पीआईबी न्यूज़ जो है नए भारत के निर्माण को लेके कुछ की पॉइंट वगैरह हैं। ये जो आर्टिकल है या जो ये पॉइंट्स वगैरह हैं इसके, ये मेनली एसए और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ रिफॉर्म वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। इसमें बताया गया है कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है तथा जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। हाँ, जीडीपी में योगदान है वो सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है, बट जो ऑल ओवर देखा जाए कि जॉब जो क्रिएशन है वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में छिपी हुई बेरोजगारी वगैरह की समस्याएं ज़्यादा हैं। तो 15 अगस्त के मौके पर अपने प्रधानमंत्री ने भी 2022 में नए भारत की संकल्पना की थी, जो कि बिना किसानों के विकास के लगभग असंभव है, क्योंकि जब तक देश का एक किसान खुशहाल नहीं हो पाएगा तब तक यह सोचना भी गलत है कि नए भारत का निर्माण हो सकता है। क्योंकि अभी आपको बताया कि जो तो अधिकतम जनसंख्या है वो तो गांव में निवास करती है और मैक्सिमम एक भारत कृषि प्रधान देश रहा है शुरुआत से ही। तो अगर जब तक किसानों की हालत नहीं सुधारी जाएगी, जब तक उनकी इनकम नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब तक देश आगे कैसे बढ़ेगा। मतलब एक नए भारत की संकल्पना अगर हमें करनी है और उसके बारे में हमें आगे कदम बढ़ाने हैं, तो हमें सबसे लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि हमें किसानों की इनकम को सुनिश्चित करना तथा उन्हें उनकी जो डेली इनकम है उनको सिक्योर करना, मतलब किसानों को कोई दिक्कत ना हो, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये है। और सरकार इस दिशा में कुछ नए कदम भी उठा रही है, जैसे नई फसल बीमा योजना लेके आई, नई सिंचाई योजना लेके आई, ई मंडी बनाई ताकि किसानों को प्रॉपर जो दाम है वो मिल सकें, एमएसपी डिसाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे नए कदम उठाए हैं। और इसी के साथ गवर्नमेंट जो मंडियों में जो बिचौलिए वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करके किसानों को डायरेक्ट एक्सेस देना चाहती है मार्केट तक, ताकि किसानों को एक उचित लाभ मिल सके जो उनकी बचत की सो उनकी सॉरी फसल है उनका। क्योंकि आपको पता है काफ़ी बार ऐसे होता है कि किसान बेचारे को पता ही नहीं होता है मार्केट में इस चीज़ की क्या प्राइस है और क्या नहीं है, तो उन्हें मजबूरन सस्ती रेट में जो आढ़ती लोग होते हैं, बीच में जो बिचौले टाइप के लोग होते हैं उनको फसल बेचनी पड़ती है, तथा जो पूरा लाभ होता है वो बिचौलिए लोग ही खा जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो ई मंडी के थ्रू किसानों की एक्सेस है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में करना चाहती है, ताकि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट का इस दिशा में अच्छा कदम है। तो ये जो की पॉइंट है ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ एक आगे और एक नया आर्टिकल था, सॉरी पीआईबी में, तो वो भी थोड़ा इसी से रिलेटेड था कि उसमें था कि कैंपेन ऑफ चेंज एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसको लेके था। तो इसमें भी कुछ की पॉइंट हैं जो कि हम इस जो पहला आर्टिकल है किसानों के लिए इसमें इसको कनेक्ट कर सकते हैं दोनों को। तो एक कैंपेन ऑफ जो चेंज है इनिशिएटिव है, ये नीति आयोग द्वारा चलाया गया है। यह मेनली राष्ट्र और सोसाइटी के लाभ के लिए जो भी विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं उनको एक साथ लाने की दिशा में एक कदम है। मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी देश में विभिन्न तरह की शक्तियाँ हैं उनको एकजुट करने, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। तो उसको देख लेते हैं थोड़ा आगे इसमें है क्या। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो भी इंटरप्रेन्योर्स जो भी बिजनेसमैन है युवा उनसे उन्होंने मिलकर बातचीत की, और जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कीवर्ड्स हैं ये हम मेंस में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आंसर राइटिंग में मेंस में हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरे को डिटेल से लिख सकें। काफ़ी बार अगर हम इन की पॉइंट्स को लिख देते हैं तो एग्जामिनर मेनली की पॉइंट को देखता है और उससे हमारा काम भी निकल जाता है और हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो जो कौन कौन से की पॉइंट है वो देखते हैं, जैसे एक जॉब क्रिएशन के बारे में बात हुई, इनकम ग्रोथ को लेकर बात हुई, डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, न्यू इनोवेशन पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन और स्किल, मतलब इन सेक्टर्स के बारे में बात हुई कि इन सेक्टर का मतलब ये जो भी सेक्टर सारे फील्ड है सॉरी इनको रिलेटेड बात हुई, ताकि देश की इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ताकत मिल सके। जो इसे इनिशिएटिव है इसका मेन उद्देश्य वो यही है कि सरकार है और जो युवा उद्यमी और जो भी युवा इंटरप्रेनर्स हैं उनको बीच में डेवलपमेंट के लिए अर्थव्यवस्था के जो बाकी मतलब अलग अलग सेक्टर हैं उनके बीच में पार्टनरशिप की जाए। मतलब सीधी सी बात यह है कि किसानों को सॉरी जो सरकार को जो भी युवा बिजनेसमैन हैं उनके साथ कनेक्ट करके अर्थव्यवस्था को गति प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म या ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाया है। तो यह इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं, कि जो कीवर्ड जैसे अभी आपको बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला एक कीवर्ड एग्जाम में अपन ले सकते हैं कि बिल्डिंग ए हेल्थी एंड सेफ मतलब कंट्री के लिए ये कि हम स्वस्थ देश का निर्माण कर सकें और हेल्थी हो, मतलब वहाँ पे सब सेफ सेफ हो सॉरी।
अगला है वो है कि हेल्थ केयर एक्सेस, मतलब सब लोगों को हेल्थ केयर गवर्नमेंट एक्सेस प्रोवाइड कर सके। मेनली जो रूरल एरियाज में है वहाँ पे हेल्थ केयर का इश्यू काफ़ी ज़्यादा रहता है, सैनिटेशन का इश्यू रहता है, तो गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है कि वहाँ उन एरियो में वह प्राइवेट कंपनियों या प्राइवेट जो भी मतलब जो भी इंटरप्रेनर्स हैं उनके साथ मतलब एक तरीके से संगठन बना के और उनको हेल्थ केयर है वो एक्सेस करवाए। इसी के साथ जो अगला हुआ है कि ड्रॉप आउट रेशियो है वो काफ़ी बढ़ रहा है तो उसको कम करना है, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हैं उनको आगे बनाना है, मतलब जो इंडिया का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना है, और जो भी स्कूल कॉलेज हैं उनको इंटरनेशनल लेवल की बनानी है। इसी के साथ लेस केस इकोनॉमी की ओर बढ़ना है, ये तो आपको पता ही है कि डिजिटल इकोनॉमी हुई और डिजिटल इंडिया मिशन हुए, मतलब केस लेस इकोनॉमी बनानी है इंडिया को। इसके काफ़ी फायदे भी हैं अपने आप में कि लोगों को केस कर ही नहीं करना पड़ेगा तो चोरी जैसी घटनाएं कम होंगी, और नुकसान भी बहुत हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जिसको लेके भी इंडिया इतना आगे नहीं आया है और ये एक देश की सबसे बड़ी समस्या बनने को जा रही है धीरे धीरे। और इसी के साथ जो भी इम्पोर्टेंट आता है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से कंट्री को आगे बढ़ाना, मतलब जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज़ किया जाए और कंट्री को आगे मतलब वो आगे सॉरी जो सफलता के मार्ग पर गति प्रदान की जाए। तो ये जो की पॉइंट है ये तो हम लोग डिस्कस किए। अब अगली जो न्यूज है वो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया हरित दिवाली स्वच्छ दिवाली के नाम से, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या है। ये पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं है क्या केस में। आपको बताएं मेनली हर साल जो होली दिवाली पे पटाखे फोड़े जाते हैं मेनली लोगों के द्वारा, उसकी वजह से पोल्यूशन का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर उठ जाता है। ये मेनली सिटीज़ वगैरह में होता है जैसे मेट्रो सिटीज़ हुई दिल्ली मुंबई वगैरह में, क्योंकि जब भी दिवाली के एक दो दिन बाद पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सरकार को वहाँ पे अपनी जो इमरजेंसी पॉलिसी है वो यूज़ करनी पड़ती है, मतलब सरकार को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ती है अस्थायी रूप से उन शहरों में, और उसके बाद वहाँ पे दो तीन दिन का मतलब जो भी टाइम के अकॉर्डिंग वेट किया जाता है, और उसी दौरान गवर्नमेंट को इकोनॉमी का भी लॉस होता है और स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद रहते हैं, तो इससे काफ़ी कुछ नुकसान होता है। साथ में ही पोल्यूशन की वजह से आपको पता है कि नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से जो अस्थमा एलर्जी जैसी बीमारियाँ फैलती हैं जिससे काफ़ी कुछ नुकसान होता है। तो इसके लिए ही ये आर्टिकल है कि इस बार गवर्नमेंट ने ये इस दिशा में कदम उठाया है, इस बार दिवाली पे मतलब पटाखे वगैरह कम यूज़ किए जाएँ नहीं फोड़े जाएँ, जिसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पर्यावरण प्रदूषण कम होगा जो कि लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, और ना कि ये नई बीमारियां वगैरह हैं जो अस्थमा एलर्जी वगैरह हैं ये कम फैलेगी। तो इसी के लिए गवर्नमेंट है वो स्कूल कॉलेज और अन्य जो भी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी हेल्प से लेके और स्ट्रीट मतलब जो स्ट्रीट प्लेज होती हैं जो नुक्कड़ नाटक होते हैं उनके द्वारा लोगों को अवेयर करेगी कि इसके क्या क्या नुकसान हैं, तो उसको लेके गवर्नमेंट ये नया अभियान चला रही है। आपको जैसे अभी बताया मैंने कि पटाखों की वजह से काफ़ी पोल्यूशन बढ़ जाता है जिससे आपातकाल की घोषणा मतलब आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ती है सॉरी, जिसकी वजह से स्कूल पावर स्टेशन निर्माण स्थलों को दिक्कत होती है तथा हेल्थ इश्यू भी बढ़ते हैं। तो 2017 में आपको पता कि वो इस बार इंडिया गवर्नमेंट है वो फीफा को भी होस्ट कर रही है, इसलिए इंडिया के एक मेज़बान देश होने के नाते अपने पर्यावरण पे खास ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि ये एक नेशन इमेज की बात आ जाती है। क्योंकि जब ये फीफा 2017 इंडिया में मेज़बान हो मतलब इंडिया इसको होस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री से जो जो लोग आएंगे वो आके देखेंगे कि इंडिया कितना पोल्यूटेड है, मतलब क्या हाल है, तो उसके अकॉर्डिंग एक मतलब एक इंडिया की इमेज एक साख बनने के लिए हमारे लिए इस बार ये जिम्मेदारी बन जाती है हमारी कि हम पर्यावरण पे सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखें और हमारी एक इमेज है वो बरकरार रखें, क्योंकि भारत की इमेज पहले काफ़ी अच्छी रही है हमेशा स्टार्टिंग से ही, तो इस बार भी भारत की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक नेशन इमेज को मेनली बचा के रखें। अब इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है ये हम पेपर 3 वगैरह में वहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टिकर हुए पंपलेट वगैरह बांट कर हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जो पोस्टर कंपटीशन वगैरह है उसके द्वारा, या छोटे छोटे प्रोग्राम मतलब एक तरीके से प्लेइंग जो गेम टाइप में होते हैं उनके द्वारा हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहुंच है वो नॉर्मली सब हर जगह होने लगी है अब धीरे धीरे, तो उसकी वजह से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ रेडियो FM के द्वारा पब्लिसिटी करके और या जो भी मतलब बड़े जैसे कि स्टार लोग हैं उनको लेके एम्बेसडर के तौर पे यूज़ करके उनके द्वारा हम ये पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चला सकते हैं, और इसी के साथ जो फेसबुक ट्विटर जैसे हुए उनमें अगर हम एक तरीके से एक नया कैंपेन चला सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है ट्रेंडिंग वगैरह का काफ़ी चलन चल रहा है, तो अगर वहाँ गवर्नमेंट अगर ये फेसबुक वगैरह पे एक तरीके से कैंपेन चलाती है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और सरकार को भी इस दिशा में थोड़े कड़े कदम उठाने होंगे। इसी के साथ जो वीडियो क्लिप वगैरह बना के सोशल साइट पर हमें मतलब
सॉरी सोशल सेल्फ पे हमें एक तरीके से वायरल करनी होगी। जैसे हम कोई थीम वगैरह बना लेंगे कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनानी है, तो उसके लिए हमें ये करना है, पोल्यूशन फ्री दिवाली के ये फ़ायदे हैं, पटाखों से ये नुकसान है। तो मतलब लोगों को एक तरीके से अवेयर करके और ये कैंपेन हम चला सकते हैं मेनली। तो ये सोशल मीडिया का रोल है जो हमारे लिए पेपर थ्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने भी डिस्कस किया। अब अगली जो एक स्कीम है वो ऐप को लेके है, माई फास्टैग एंड फास्टैग पार्टनर। ये एक ऐप है जो कि मतलब सॉरी अभी रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए हैं। तो इनको थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ये जो दो ऐप हैं माई फास्टैग एंड फास्टैग पार्टनर नाम से, ये NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए जारी किए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का फ़ायदा क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, पहले देख लेते हैं कि दोनों ऐप है क्या। जो माई फास्टैग एक है ना, वो कंज्यूमर बेस्ड ऐप है, इसके द्वारा मतलब फास्टैग की खरीदारी और रिचार्ज किया जा सकेगा। और ऑनलाइन जो भी अगर कस्टमर है उसको कोई शिकायत वगैरह है कि टोल प्लाजा से रिलेटेड या जो भी कुछ है उस ऐप से रिलेटेड कोई इशू है, तो वह ऑनलाइन इसका सॉल्यूशन भी मतलब ऑनलाइन ग्रेवांस में उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के साथ जो फास्टैग पार्टनर ऐप है, ये एक मर्चेंट ऐप है, मतलब ये मर्चेंट यूज़ करेंगे, और ये माई फास्टैग ऐप है ये कंज्यूमर बेस्ड ऐप है। तो जो मर्चेंट ऐप है माई सॉरी मर्चेंट ऐप का नाम है फास्टैग पार्टनर। यह एक मेनली कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं तथा वाहन डीलर एजेंसी होती हैं, वो इस ऐप को मतलब यूज़ कर सकती हैं, और उसकी वजह से जो फोरटैग है फास्टैग है वो यूज़ करेंगी ये। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ये टोल कलेक्शन का सिस्टम है उसमें क्या होगा, मतलब इसमें एक RFID है वो यूज की जाएगी, कि जो भी व्हीकल होगा उसमें एक RFID लगी होगी, उसकी वजह से उस व्हीकल की पहचान की जाएगी, और उसकी वजह से वहाँ पे जो टोल प्लाजा होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक वो लगे रहेंगे, जो RFID डिटेक्टर लगे रहेंगे, और उनकी हेल्प से जो टोल की अमाउंट है वो जो RFID टैग की वजह से ऑटोमेटिक डिटेक्ट होती रहेगी। मतलब सीधी सी बात ये है कि RFID टैग गाड़ियों में लगे होंगे, और उन गाड़ियों को जो गाड़ियाँ जो ही जब टोल से गुजरेंगी तो वहाँ टोल पे RFID रीडर लगे रहेंगे जो कि उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे, और गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन RFID टैग में होती है, तो वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके और जो भी उसका टोल का अमाउंट है वो डिटेक्ट कर लेंगे। तो इसमें जो भी रिचार्ज वगैरह करने के लिए अगर RFID टैग के में जो रिचार्ज करना पड़ेगा वो माई फास्ट टैग एक जो है बताया आपको इसकी हेल्प से किया जाएगा। तो ये मेनली जो टाइमिंग वगैरह होता है टोल प्लाजा पे और डिजिटल इंडिया के मिशन के तहत ये प्रोग्राम मतलब ये जो कैंपेन ये गवर्नमेंट ने चलाया है स्मूथ ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए। अब इस आर्टिकल का यूज़ क्या है, इस आर्टिकल एक यूज़ तो हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट डिजिटल इंडिया के ऊपर ये आर्ट बेस्ड है, क्योंकि डिजिटल इंडिया को आपको पता है कि मेनली कैशलेस इकोनॉमी है, वहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे कैश का खतरा कम हो जाएगा। जैसे कि चोरी डकैती का जो खतरा होता है मेनली हाईवे वगैरह पे वो नहीं रहेगा टोल प्लाजा वगैरह पे, और ना ही जो कंज्यूमर है उनको कैश कैरी करना पड़ेगा। और इसके साथ जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, वर्ल्ड क्लास जो स्टैंडर्ड है इंडिया को वो फॉलो करने हैं धीरे धीरे, तो उनको उनको फॉलो करने की दिशा में ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है। तो ये इसके कुछ की पॉइंट मतलब कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पे जो कि हमें ये हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। बाकी कुछ और भी हैं वो आप इसमें से आप निकाल सकते हो इस आर्टिकल से। अब इसके साथ जो अगली एक है वो न्यूज़ है, वो एक परियोजना को लेके है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना है, जो कि 100% ग्लोबल इन्वायरमेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा फंडेड है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें है क्या है, कौन सी किसके द्वारा है, देखते हैं थोड़ा। ये जो JEF है ये JEF है, ये एक फंड है जो कि वर्ल्ड बैंक का फंड है, और ये जो परियोजना है जो इंडिया में चालू हो रही है पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना, इस परियोजना को 100% जो फंड है वो ये JEF फंड दे रहा है, जो कि एक ट्रस्ट फंड है जो अभी आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक का है। तो आपको इसमें बस इतना ध्यान होना चाहिए कि जो इंडिया में जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना है वो 100% WTO का सॉरी हाँ वर्ल्ड बैंक का एक जो फंड है JEF नाम से उसके द्वारा फंडेड है। बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ इस परियोजना के जो भी नए नए मिशन के हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं जो हमारे लिए की पॉइंट वगैरह के तौर पे काम आ सकते हैं। जैसे इस परियोजना के द्वारा भारत जो हरित भारत के राष्ट्रीय मिशन के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कार्य किया जाएगा मेनली, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हरित भारत का जो मेन मोटो है उसको लेके कार्य किया जा रहा है बड़े जोरों शोर से। तो जो इसके एक टारगेट वगैरह क्या है वो हमारे लिए मेंस के पेपर थ्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वन विभाग और सामुदायिक संगठनों की संस्थागत क्षमता में विकास करना है,
उसी के साथ जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसी के साथ जो मिडिल इंडिया के क्षेत्र होते हैं, मतलब जो भी आपको बताया छत्तीसगढ़ हो गया, ये MP हो गए, इन क्षेत्रों में वनों का सुधार करना है, तथा जो भी लोग, जो भी समुदाय या जो भी कम्युनिटी वनों के ऊपर डिपेंड हैं, उनकी आजीविका है, उनकी लाइवहुड को सुधारना है, उस दिशा में गवर्नमेंट ने ये योजना या ये प्रोग्राम चलाया है। अब आगे हम डेली एक फंड, डेली हम एक ऑर्गेनाइजेशन या फंड वगैरह कुछ डिस्कस करते हैं, तो आज हम है वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, वो हम फंड इंस्टीट्यूशन है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। ये फंड है 1977 में बनाया गया था, यह एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तथा यह UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि UPSC इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये IFAD है वो क्या UN की डायरेक्ट मतलब एजेंसी, डायरेक्ट UN से कनेक्ट है या नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसी के साथ इसका जो मेन गोल क्या है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो इंडिया के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे कि एम्पावर पुअर रूरल मैन एंड वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड टू अचीव हायर इनकम एंड फूड सिक्योरिटी। मतलब जो भी गरीब और महिला और जो पुरुष और सॉरी पुरुष और महिलाएं हैं उनको जो सॉरी इसका मेन जो एम है वो ये है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें पुअर महिलाएं और जो पुरुषों को एक तरीके से एम्पावर करना तथा उनको एक हायर इनकम का सोर्स प्रोवाइड करना और इसी के साथ उनको फूड सिक्योरिटी देना, ये इसका मेन गोल है। अब आपको ये थोड़ा एक डाटा है जो हमारे लिए मतलब अगर मेंस वगैरह में यूज़ करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जैसे कि 70% जो गरीब लोग हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के रूरल क्षेत्र में रहते हैं, ये इन पूरे वर्ल्ड वाइड एक डाटा है जो इस आर्टिकल में दिया हुआ था, तो हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह में कहीं हेल्प करता है बूस्टिंग के लिए। अब जो IFAD जो ये फंड है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए मतलब अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करेगा, तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो कौन से हैं क्या हैं, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। अब इसी के साथ जो PIB की न्यूज़ थी वो कंप्लीट हो गई है, बट एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था आजकल दो एक दो दिन दो तीन दिन से, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं जो लाइव में द हिंदू वगैरह में आ रहा है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ने अभी नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करने के बारे में कदम उठाया है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी है क्या और गवर्नमेंट इसे क्यों ख़त्म कर रही है, इसकी क्या नया लेके आ रही है। तो थोड़ा कंटेक्स्ट तो इसका ये है कि नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब पहले यह था कि 8वीं क्लास तक बच्चे को फेल नहीं करता है, चाहे उसके कितने भी मार्क्स हैं कुछ भी हो, इसी के साथ चाइल्ड लेबर ना बढ़े और जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो ना बढ़े, क्योंकि उस गवर्नमेंट को पता था कि उस टाइम पे जब ये नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की थी उस टाइम पे इंडिया का जो एजुकेशन क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो इतना अच्छा नहीं था, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करती थी कि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अगर बाई चांस स्टूडेंट प्रॉपर पढ़ ना पाए साधनों की वजह से तो उनको मतलब अगर जैसे बच्चे फेल हो जाएंगे प्रॉपर नहीं पढ़ पाएंगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी वजह से, तो क्या कहते थे घर वाले उनको मतलब ड्रॉप आउट, घर वाले उनको स्कूल से निकाल लेते थे और फिर उनको बोलते थे कि तुम पढ़ाई तो हो नहीं रही है तो तुम एक काम करो जॉब वगैरह मतलब कुछ ना कुछ उनको काम धंधे में या चाइल्ड लेबर के रूप में का लगा देते थे, तो जिसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा था एक इंडिया में मतलब चाइल्ड लेबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उस दिशा में गवर्नमेंट ने कदम उठाया था कि जब बच्चा 8वीं क्लास तक फेल नहीं होगा तो घर वाले बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकालेंगे, तो बाहर नहीं निकालेंगे तो उसकी वजह से बच्चा प्रॉपर पढ़ पाएगा और जब धीरे धीरे 8th क्लास तक वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि बाद में वह अपने आप को मतलब संभाल लेगा, बट गवर्नमेंट का ये जो प्लान था ये पूरे तरीके से फेल रहा, मतलब इसका रिजल्ट निगेटिव रहा कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने इसके बाद बंद किया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे को 8 साल तक तो कोई कंपटीशन एक तरीके से रहा ही नहीं, क्योंकि बच्चा पढ़े या ना पढ़े उसे तो पास करना ही करना था, तो बच्चा 8 साल तक तो अगर नहीं पढ़ता तो भी उसे पास होना पड़ता, और जो ही वो 9th क्लास में जाता और वहाँ उसको कंपटीशन करना पड़ता क्योंकि वहाँ उसको पढ़ना पड़ता, और जब बच्चा 8 साल पहले ही नहीं पढ़ा तो उसकी मतलब आदत भी नहीं रहती और ना ही उसको वो जो मतलब परीक्षा का जो बोझ है वो सहन कर पाता था, और परिणाम ही होता था कि बच्चा फेल हो जाता था और इसी के साथ ड्रॉप आउट हो जाता था, तो मतलब दिक्कतें आने लगी थी गवर्नमेंट के सामने कि 9th क्लास से ड्रॉप आउट ज़्यादा बढ़ने लगे थे, तब गवर्नमेंट ये स्कीम लेके जो ये नो डिटेंशन पॉलिसी है इसको ख़त्म करने की दिशा में कदम उठाया है। अब स्कूलों में काफ़ी कमी है कि जिसकी वजह से गरीब बच्चों को दिक्कत आती है, बट जो बच्चों के मतलब सॉरी बट जो मेनली प्री स्कूल डेज होते हैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गरीब बच्चों को, क्योंकि जो प्री स्कूल डेज वो डेज होते हैं कि जब बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल के बच्चे ने स्कूल ज्वाइन किया तो जो 3 साल तक का स्टार्टिंग का जो गैप है
स्कूल ज्वाइन करने से पहले का टाइम, उसको प्री स्कूल डेज कहते हैं। तो उस टाइम पे अगर बच्चे का प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे जो विकास नहीं हो पाता है तो वो उसके बाद माइंड पे हावी होता रहता है, और यही एक्चुअली असली समस्या है इसकी। तो ये गवर्नमेंट ने मतलब नया जो सर्वे वगैरह किए हैं उसके तहत ही पता चला है। तो ये जो पॉइंट्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है वो क्यों लोग की क्यों ले करके गई है, और उसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो गवर्नमेंट इस दिशा में नए कदम उठा रही है कि जो प्री स्कूल डेज हैं उनमें, मतलब जो बच्चे हैं, सॉरी प्री स्कूल डेज में जो भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि उनके दिमाग का एक तरीके से सर्वांगीण विकास हो, ताकि वो आराम से पढ़े और उनके दिमाग पे बोझ नहीं रहेगा, तो उनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अब आपको पता है कि गरीब जो स्टूडेंट होते हैं उनके माता पिता उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको जॉब वगैरह के लिए जाना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो सैनिटेशन गरीबी का उनका इफेक्ट है वो डायरेक्टली उन बच्चों के माइंड पे पड़ता है। आप एग्जाम्पल से ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे अमीर माँ बाप का कोई बच्चा है, उसको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है सुबह स्कूल गया फिर शाम को आया घर पे खाना मिला सब ठीक रहा। बट अगर वहीं गरीब माँ बाप का बच्चा है तो उसे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि जो ही स्कूल आया और स्कूल के बाद घर गया तो माँ बाप जॉब पे गए हुए रहेंगे, तो उसकी वजह से उसे खाना पीना भी नहीं प्रॉपर मिल पाएगा, और वो मतलब उसका एनवायरनमेंट भी ऐसा हो जाएगा कि उसे खुद को ही अपने दिमाग पे एक तरीके से ऐसे लगेगा कि यार नहीं मैं तो गरीब हूँ इसलिए मैं हो नहीं रहा, और ना उस टाइम पे सफाई वगैरह रहती है। तो बच्चे को स्टार्टिंग, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें इफेक्ट करने लगती हैं, और बच्चे का जो माइंड सेट है वो ऐसे स्टार्टिंग से ही ऐसा हो जाता है कि वो आगे प्रॉपर ढंग से मतलब अपना आउटपुट दे ही नहीं पाता है। तो इसीलिए जो ना उसको खाना मिल पाता है, तो इन जो समस्याओं हैं इनको गवर्नमेंट मतलब दूर करना चाहती है कि बच्चे के ऊपर दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि यही जो 8 साल तक तो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, 2 8वीं तक तो हमें फेल नहीं हो रहे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो मतलब वो एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर उनका ड्रॉप आउट रेशियो वापस बढ़ने लग जाता है 8वीं क्लास के बाद। तो इस दिशा में गवर्नमेंट को कड़े कदम उठाने चाहिए। तो जो कुछ नए कदम भी उठाए हैं, जैसे हम देख लेते हैं कि सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, और पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीमें वगैरह चलाई हैं, लोगों को अवेयर किया है कि मतलब कैसे उनको घर पे बच्चों को केयर किया जाए, कैसे उनको ट्रीट किया जाए। तो सारी बातें गवर्नमेंट मतलब ने जो कैंपेन के तहत प्रचार प्रसार कर रही है। इसी के साथ प्रॉपर हेल्थ सप्लीमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो मिड डे मील स्कीम है ये इसीलिए चलाई थी कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कराया जा सके। और अभी गवर्नमेंट इस दिशा में नए कदम उठा रही है कि बच्चों को दूध वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाए, जिसकी वजह से उनका न्यूट्रिशन लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन किया जा सके, तथा उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो दिए जा सकें। इसी के साथ बच्चों को एक इमोशनल टच की काफ़ी ज़रूरत होती है प्री स्कूल डेज में और स्कूल टाइम में। तो उसकी दिशा में गवर्नमेंट अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रही है कि क्योंकि इमोशनल टच है वो बच्चे को जल्दी इफेक्ट करते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको आगे लेके आई है। तो आगे कुल मिला के आर्टिकल में यही बात कही गई है एडिटोरियल में कि बच्चे को प्री स्कूल डेज में केयरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए घर वालों को और उस गवर्नमेंट को इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि देश एक स्वस्थ देश का निर्माण किया जा सके। तो ये थे आज के आर्टिकल दोस्तों, थैंक यू।